फ्रॉम फॉर्म फिलिंग टू एडमिशन वी विल गाइड यू फॉर एवरीथिंग। स्टूडेंट जिनके पास लैपटॉप नहीं होता है वो एग्जाम देने में प्रॉब्लम आता है। कुछ लाल मुकुंद कोचिंग सेंटर वाले हैं जो कि हमारे बारे में रिव्यू दे रहे थे कि आईएम मेट वाले फर्जी हैं जुड़े हैं। हेलो एवरीवन, हम हैं थर्ड ऑफिसर शोएब अली और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सेल विद अली पे। तो बहुत लोगों का डाउट रहता है कि हमारा जो आईएमएम मेट है उसमें हम लोग जो भी बैचेस ला रहे हैं उसमें हम लोग प्रिपरेशन कैसे करवाते हैं, या फिर अगर अभी बैच लेंगे तो क्या फ़ायदा है, बाद में जनवरी फरवरी में लेंगे तब क्या फ़ायदा है। कुछ लोग बोलते हैं कि अभी से लेके क्या करेंगे, जब IMACT या स्पॉन्सरशिप नज़दीक आएगा तब लेंगे। 12 अपियरिंग वाले बोलते हैं हम बोर्ड के बाद लेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में एकदम सिंपल लैंग्वेज में इस चीज़ को हम समझाते हैं कि क्या क्या बेनिफिट्स होता है, क्या नुकसान है कब क्या करने में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दें, अगर आप IMACT या फिर स्पॉन्सरशिप की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। दूसरा चीज़, अगर आप चाहते हैं कि आप गाइडेंस के साथ प्रिपरेशन करें तो आप हमारा आईएमएट का बैच ज्वाइन कर सकते हैं जिसका फ़ी बहुत ही कम है और कम फी में आपको बहुत अच्छे से गाइडेंस मिलेगा। तो चलिए वीडियो पे आते हैं। सबसे पहला चीज, कुछ लोग पूछते हैं, मतलब एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है मेरे पास हमेशा कि IMU में मतलब अगर कोई ज्वाइन करता है तो हम लोग क्या करेंगे उनके लिए। मतलब अच्छी बात है, मतलब ये क्वेश्चन सही आ रहा है कि हाँ, कोई अगर हमको पे कर रहा है, हमारे सर्विस के लिए पे कर रहा है तो हमारी सर्विस क्या रहेगी। तो एकदम खिचड़ी बना के उसको समझाने से अच्छा हम बस एक ही चीज़ बोलते हैं, फ्रॉम फॉर्म फिलिंग टू एडमिशन वी विल गाइड यू फॉर एवरीथिंग। मतलब आपका फॉर्म फिलिंग से लेके जब आप किसी कंपनी का किसी भी चीज़ का फॉर्म फिल कर रहे हो, वहाँ से लेकर आपका एडमिशन प्रोसेस तक हर चीज़ के लिए हम लोग गाइड करेंगे। फॉर्म फिल कर दिए, ठीक है, एग्ज़ाम्स आ रहे हैं आपके, एग्ज़ाम होने वाले हैं, टेस्ट होने वाले हैं, टेस्ट का प्रिपरेशन करवाएंगे हम लोग। टेस्ट क्लियर हो गया उसके बाद से आपका इंटरव्यू जो आ रहा है, इंटरव्यू के लिए भी प्रिपरेशन हम लोग करवाएंगे। कंपनीज में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको कैसे जवाब देना है, हर चीज के लिए हम लोग तैयार करेंगे आपको। उसके बाद से आपका इंटरव्यू क्लियर हो गया, इसके बीच में बहुत चीज़ें आती हैं जो बहुत बच्चे को दिक्कत देती हैं। जैसे एग्ज़ाम के टाइम पे हमारे कितने सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पास लैपटॉप नहीं होता है, वो एग्ज़ाम देने में प्रॉब्लम आता है। कुछ होते हैं जिनके पास ट्रैवलिंग का इशू आ जाता है, तो इसमें हम लोग भी हेल्प कर देते हैं कभी कभी। कैसे, जैसे हमारे यहाँ हर स्टेट से लगभग हर सिटी से भी बच्चे होते हैं, मतलब इतने सारे बच्चे हैं कि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मिल ही जाता है। तो होता क्या है, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, जैसे मेरे ही स्टेट का मान लीजिए, जैसे कोई बच्चा पटना का है या पटना के आसपास का है 15-20 किलोमीटर के रेंज में, ठीक है, वहाँ पर उसके पास लैपटॉप नहीं है एग्ज़ाम देने के लिए। वो हम लोगों को बताता है कि भैया मेरे पास लैपटॉप नहीं है। हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास जो भी बच्चे पटना में हैं, वहाँ पे आसपास हैं, हम लोग उनको कांटेक्ट कर लेते हैं। हमारे पास लगभग पता रहता है कि कौन बच्चे कहाँ से, और सबसे अच्छा चीज़ है हमारे जो ग्रुप डिस्कशन होता है, ग्रुप में बच्चे एक्टिव रहते हैं जिसकी वजह से सबको आइडिया रहता है कि उसके आसपास में कौन है। हम लोग उनसे कॉन्टेक्ट करते हैं, फिर उनको बोलते हैं, और जाहिर सी बात है हमारे IMU में एक चीज़ बहुत अच्छा है कि सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो वो बच्चा वहाँ जाके मतलब एग्ज़ाम दे आता है, मतलब हमारे ही बच्चे एक दूसरे की हेल्प कर देते हैं, ठीक है। दूसरा चीज़, बहुत लोगों को प्रॉब्लम आ जाता है ट्रैवलिंग का कि लास्ट मिनट पे टिकट बुक नहीं हो रहा, मतलब अचानक से आ गया कि 2-3 दिन बाद इंटरव्यू है, आपको आना है। अब सब पैनिक हो गए, कैसे जाए। हम लोग क्या करते हैं, हमारा ही एक स्टूडेंट, प्रीवियस स्टूडेंट है जिसका ये ट्रेवल का एजेंसी है, तो उसका हम लोग कॉन्टेक्ट नंबर दे देते हैं। वो बहुत कम चार्जेस में, क्योंकि IMU मेट का है तो बहुत कम चार्जेस में वो तत्काल टिकट बुक करके दे देता है। यही नहीं, मान लीजिए कहीं पे इंटरव्यू है,
वहाँ जा रहे हो, जैसे ग्रेट ईस्टर्न के इंटरव्यू के लिए लोनावला जाना है, अब आप अकेले जा रहे हो, आप वहाँ पे अकेले जाके रूम लिए, आपको रूम बहुत महंगा पड़ जाएगा। IMM मीट में क्या करते हैं हम लोग, सबका डेट डिसाइड रहता है कि कौन किस तारीख को जा रहा है, तो उसमें भी ग्रुप बन जाता है, उसमें भी बच्चे ग्रुप में जाते हैं, रूम लेते हैं, और जो कि बहुत सस्ता पड़ जाता है। इस तरह से IMM मीट ज्वाइन करने पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ये तो अलग चीज़ है, ये तो आओ मतलब अलग की बात है कि ये हमारे क्लासेस बैचेस के अलावा भी चीज़ें हैं। हमारे बैचेस में क्या होंगी इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्ट्रेटजीज के बारे में बात करेंगे कि हम लोग क्या क्या स्ट्रेटजी रखते हैं अपने बैचेस में, जिसके वजह से हमारा रिजल्ट ऐसा आता है। एक चीज़ बता दें, अभी हम मतलब मेरे पास इंटरनेट आया अभी ऑस्ट्रेलिया में, हम तो हम थोड़ा यूट्यूब पे घूम रहे थे, तो कुछ बाल मुकुंद कोचिंग सेंटर वाले हैं जो कि हमारे बारे में रिव्यू दे रहे थे कि IMM मेट वाले फर्जी हैं, चोर हैं। तो देखिए वो कोचिंग मतलब जो भी लोग हैं ये चीज़ें कर रहे हैं, जिनका अभी कोचिंग भी नहीं है, ठीक है, एक बैच चला है, दो बैच चला है, जिनके पास गिन के 10-12 बच्चे नहीं है, वो 40-50 बच्चों का सिलेक्शन दिखा रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल है? ठीक है, हमारे पास बच्चे हैं तब भी हम लोग सिलेक्शन दिखा रहे हैं, ठीक है, अब जरूरी नहीं है। अब जैसे हमारे यहाँ अभी 300-400 बच्चे 500 बच्चे पढ़े हैं, जिनमें से 200 का सिलेक्शन हुआ है, कंपटीशन है, ऐसा नहीं है कि कंपटीशन नहीं है। जहाँ एक कंपनी के लिए 4,000 5,000 6,000 बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ 40 बच्चे 80 बच्चे सेलेक्ट होंगे, तो दूसरे बच्चे तो फेल होंगे ही। तो जाहिर सी बात है हम लोग भी कोई मतलब ये नहीं है, उसको क्या बोलते हैं, लेजेंड नहीं है कि हमारे यहाँ से कोई फेल नहीं होगा। फेल हर जगह से होते हैं, और ये बच्चे पे डिपेंड करता है, हम लोग अपना बेस्ट देते हैं। हमारे यहाँ एक चीज़ है कि जो बच्चे अच्छे से मेहनत करेंगे उनको स्पॉन्सरशिप मिल जाता है, अब जो मेहनत करना ही नहीं चाहते हैं उनको कैसे मिलेगा स्पॉन्सरशिप? तो इस चीज़ को आप लोग भी समझिए, हम अपने किसी वीडियो में बताएंगे कि एग्जैक्ट चीज़ें बताएंगे कि हमारा कितना सिलेक्शन हुआ है, क्या हुआ है, हमारे बच्चे यहाँ जो बच्चे फेल हुए हैं उनका क्या होगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, टाटा बाय बाय, टेक केयर।